झारखंड चुनाव में बीजेपी का कौन होगा प्रत्याशी और इसे लेकर दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। झारखंड में बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। बता दें कि बैठक में अन्नपूर्णा देवी, शिवराज सिंह चौहान, अमर बाउरी, अमित शाह, बाबूलाल मरांडी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्यगण मौजूद हैं। और चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, झारखंड चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी को लेकर मंथन चल रहा है, जानना चाहेंगे बैठक को लेकर क्या अहम जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए, और उसके साथ में जो झारखंड से जुड़े हुए तमाम नेता यानी कि अन्नपूर्णा देवी हों और उनके साथ में अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे नेता पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो आगामी समय विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, और कुछ ही देर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की पूरी अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे, लेकिन अभी बिल्कुल यहाँ पे देखिए जिस तरीके से चंपई सोरेन का पहुंचना हुआ वो कहीं ना कहीं एक बड़े संदेश यानी कि बड़ा मैसेज देने का काम कर रहे हैं। चंपई सोरेन बस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अभी चल रही है। बस थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो आगामी समय में चुनाव है कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे, कौन कौन से ऐसे सहयोगी दल होंगे, उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सम्मान के साथ चुनाव बनाने का काम करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय बुलाई गई है काफी अहम बैठक है। बस थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जब बैठक खत्म होगी तो हम उन नेताओं से बातचीत करने का प्रयास करें कि किस तरीके से चिंतन और मंथन किया गया। जी अंकित, एक अहम सवाल यहाँ पे ये भी उठ जाता है, क्योंकि सहयोगी दल भी साथ में है, आजसू है, जेडीयू है, तो क्या ये मानकर चले कि आज जो उम्मीदवारों को लेकर चर्चा जो मंथन चलेगा क्या सहयोगी पार्टियों को उसमें ध्यान में रखा जाएगा? क्या जो सीट शेयरिंग का जो मामला फंसा हुआ है उस पेज को भी सुलझाया जा रहा है, या फिर बीजेपी अपने कोटे के ही उम्मीदवारों की आज जो सूची है उसके बारे में आज मंथन करेगी? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है। जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले आसू के प्रमुख यानी कि सुदेश महतो आए थे और उनके साथ में अगर हम बात करें कि जेडीयू भी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो भी सहयोगी दल है सबको सम्मान उनको कहीं ना कहीं स्थान देने का काम करेगी। तमाम हमारी नेताओं से बातचीत हुई और रिपोर्ट को उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार उन सभी सहयोगी दलों के संपर्क में है कि कौन कौन सी सीट पर किस तरीके से अपने अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज चंपई सोरेन पहुंचे उनकी भूमिका झारखंड के अंदर बड़े पैमाने पर नजर आती है। एक बड़े नेता है, अनुभवी नेता है और उनका राजनीतिक करियर भी एक लंबा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, सम्मान उनको कहीं ना कहीं स्थान देने का काम किया गया था। शिवराज सिंह चौहान की बात करें, हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें, वो भी इस बैठक में लगातार सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। बस थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं इस पूरे विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज अंतिम विराम। बिल्कुल अंकित, नजर बना रखे इस बैठक पर। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।